हेलो बच्चों, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियोस में हम आप सबको संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और चाहते हैं कि संस्कृत में मेरे 100% ऑब्जेक्टिव प्रश्न सटीक हो और सही हो, तो ये स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैंने लाया है आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें आपके सारे प्रश्न फाइनल एग्ज़ाम में टैली करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आप सबको बिना टाइम बर्बाद किए हुए उन सब प्रश्नों से रूबरू कराते हैं जो आज की इस वीडियोज़ में हमने लेकर आया है। तो देखिए, आपके 50 ऑब्जेक्टिव होंगे सही करने, 100 प्रश्न आएंगे, तो आप उन सब प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, चतवारा, पंच, सप्त या अष्ट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मेरी प्यारे स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल सही जवाब है पंच। ठीक है, पंच हो जाएगा। वन का भी जिनके भी कमेंट में सही जवाब है। दूसरा है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। पहला है हिरणमय पात्र से, मीडियम पात्र से, रजतमय पात्र में या ताम्र पात्र से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल ही सही जवाब आपका दो का हो जाएगा, ए, हिरणमय पात्र से। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा कहता है, विदा हेमंतम पुरुषम महांतम विद्या विदते न्याय मंत्रम किस उपनिषद से किया गया है। पहला ऑप्शन है कठोपनिषद, श्वेता श्वेतरोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से या इश्वास्योपनिषद से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तीन में बिल्कुल ही सही जवाब बी होगा, श्वेता श्वेतरोपनिषद से। बिल्कुल तीन का भी राइट आंसर है। चलिए फटाफट मेरे प्यारे में आप लोग भी कमेंट में बताएंगे। चार नंबर प्रश्न कहता है, मेघास्तनी पटना किसके समय में आया था। अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य में या अंग्रेजों के समय में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब मेघास्तनी जो है ना आपका सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। ठीक है, चार का सी बिल्कुल ही सही जवाब है। पांच नंबर देखिए आपका प्रश्न है कि पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पटना का कौन सा नाम है। पहला है पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या पटना। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, फाइव में बिल्कुल ही सही जवाब आपका सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। सी है, सी बिल्कुल सही है, फाइव का सी सही जवाब है। सिक्स नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है कि पटना के कौमुदसी महोत्सव कब मनाया जाता था। पहला है गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में या अंग्रेजों के समय में। तो सिक्स में आपका सही जवाब हो जाएगा गुप्त वंश काल में, सिक्स का ये सही जवाब है। सात नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कहता है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में या मध्य काल में या अंग्रेजों के शासन काल में। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सात में बिल्कुल ही सही जवाब आपका सी हो जाएगा, मध्य काल में। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्य काल में। सी इज राइट आंसर जिनके भी कमेंट में है। आठ नंबर देखिए प्रश्न कहता है, वीरेश्वर कौन था, मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार या मिथिला का संतरी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आठ में बिल्कुल सही जवाब आपका भी होगा मिथिला का मंत्री। ओके, आठ का भी सही है। नाइन नंबर देखेंगे आपका प्रश्न कहता है ना नाइन में कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल अभी सही है, आलसियों की परीक्षा करने के लिए भी सही है, नाइन का भी सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। दस नंबर देखिए कहता है, याग वल्कव ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी,
मैत्रेयी की, गार्गी को, सुलभा को या राम भद्रम्बा को, एवरीवन बताएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 10वां नंबर में बिल्कुल सही जवाब ए है, मैत्रेयी को। ठीक है, 10 में ए सही है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट आप लोग लाइक कर देंगे। 11 नंबर है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, किसने कहा है? पहला याज्ञवल्क्य के, बाणभट्ट ने, जनक ने या दंडी ने? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 11 में डी सही है, दंडी ने। 11 का डी सही जवाब। 12 नंबर देखिए, पहला क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 12वीं सदी बताएंगे गंगा देवी का समय। हाँ बिल्कुल ही सही जवाब आपका ये होगा, 14वीं सदी। ठीक है ना, गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी, 12th में ए हो जाएगा। 13 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तिरुमलम्बा, विजयंगा, सुलभा या पंडित क्षमाराव? हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 13 में आपका डी हो जाएगा, पंडित क्षमाराव, बिल्कुल डी सही है, 13 का डी। 14 नंबर देखिए आपका सवाल है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के? हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 14 में ए हो जाएगा, भारतवर्ष के, 14 का ये बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका कहता है 15 में कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से या धन से, बताएंगे आप लोग? हाँ तो 15 में बी हो जाएगा, संस्कारों से होती है, बी सही है। 16 नंबर देखिए आपका प्रश्न है कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, जन्म पूर्व संस्कार, शैश्व संस्कार, शैक्षणिक संस्कार या इनमें से कोई नहीं, एवरीवन? हाँ तो 16 में बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा ए, जन्म पूर्व संस्कार है ये, 16 का ये सही है। 17 नंबर है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी या अंतेवासी? प्राचीन काल में बिल्कुल ही सही जवाब आपका 17 में बी होगा, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है ना, बी वाले सही हैं। 18 नंबर है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, विदुर नीति से, नीति शतक से, चाणक्य नीति दर्पण से, शुक्रन नीति से? हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 18 में बिल्कुल ही सही जवाब ये हो जाएगा, विदुर नीति से। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, विदुर नीति, 18 का ये सही है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर, एवरीवन बताएंगे इसका सही जवाब? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम बिल्कुल ही सही जवाब सी हो जाएगा, मूल शंकर। ओके, 19 का सी सही है, मूल शंकर इज राइट आंसर। 20 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि या कालिदास? हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए 20 में बिल्कुल ही सही जवाब आपका सी होगा, वाल्मीकि। ठीक है, सी जिनके भी कमेंट में सही है। 21 है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी या बाणभट्ट, बताएंगे आप लोग? हाँ तो बिल्कुल ही इसका सही जवाब बी हो जाएगा, नारायण पंडित। ठीक है, बी सही है। और आपका 22 नंबर प्रश्न है, कर्ण दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, इम्पोर्टेंट कर्णभार से, वासवदता से, प्रतिमान मानाटक से या मृच कटिक से? हाँ तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 22 का बिल्कुल ही सही जवाब आपका ए होगा, कर्णभार से। ठीक है ना, 22 में ए सही है, कर्णभार। 23 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल, गौतम, कणादि या पतंजलि, बताएंगे? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, कणाद। ठीक है ना, 24 देखिए, आर्य भट्टियम किसकी रचना है, पराशर की, चरक की, सुश्रुत की, आर्यभट्ट की? हाँ तो बिल्कुल ही इसमें सही जवाब 24 में आपका डी हो जाएगा, आर्यभट्ट की है, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की है। 25 नंबर देखिए, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या है, नि प्लस मलम, नि प्लस मलम, निर प्लस मलम, निस प्लस मलम? हाँ तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल 25 में सटीक आंसर ए हो जाएगा, नि प्लस मलम। ठीक है ना, ये सही जवाब होगा। ओके, 26 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, पूषण
प्लस आपा विरिणी का संधि होगी, पुसन पाविरिणी है ना, पुसन पाविरिणु है, पुसा पावरुणु या पुसना पावाडु, बताइए 26 का। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 26 समान बिल्कुल सटीक आंसर बी हो जाएगा, पुसन पावरुणी, ठीक है। 27 नंबर देखिए, ई और अ का मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा, बड़ी ई ए ए या ए। 27 में बिल्कुल ही सही जवाब आपका बी होगा, ए बनेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। 28 है, जंतुर निरहितों में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पूर्व रूप संधि। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 28 का बिल्कुल ही सही जवाब सी होगा, विसर्ग संधि, ओके सी सही है, ओके ना। 29 नंबर देखिए, अर्थभावे का विग्रह क्या होगा, पहला ऑप्शन देख सकते हैं आपका कह रहा है अर्थ सब अभावे, अथार्य अभावे, अर्थम अभावे या अर्थन अभावे। हाँ तो 29 में बिल्कुल ही सही जवाब ए हो जाएगा, अथर्ष अभावे, ठीक है। 29 ए सही है। और 30 नंबर है, धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा, धर्मार्थ काम, धर्मार्थ काम, धर्मार्थ कमऊ, धर्मार्थ कमम, बताइए 30 का सही जवाब बिल्कुल भी सही है, भी जिनके भी कमेंट में सही है। आई होप डैट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सभी लोग एक लाइक करेंगे, इसे दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।